गाइस दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2005 में आई मूवी गरम मसाला और 2001 में आई मूवी अजनबी। अक्षय कुमार, बॉबी देओल, करीना कपूर, बिपाशा बसु, जॉनी लीवर। अजनबी गरम मसाला, जॉनी इब्राहिम, अक्षय कुमार, प्रेश रावल, राजपाल यादव। एक बेस्ट कॉमेडी, एक बेस्ट थ्रिलर सस्पेंस मूवी। एक को डायरेक्ट किए थे अब्बास मस्तान अजनबी को, और गरम मसाला को डायरेक्ट किए थे दोस्तों प्रियदर्शन। तो ये अक्षय कुमार की उस दौर की, जो जी हाँ दोस्तों 2001 और 2005 की दौर की अक्षय कुमार की ये दो फिल्मों की बहुत इंटरेस्ट बातें करेंगे आप लोगों से। और आपको बताऊंगा कि आप शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि अजनबी में अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर था उनका विलेन का था, उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था, तो उनको बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट विलेन का अवार्ड अक्षय कुमार ने आज से 19 साल पहले ही बेस्ट विलेन का अवार्ड ले चुका दोस्तों। और बोले तो गरम मसाला के लिए उनको अवार्ड मालूम क्या चीज़ का मिला था? बेस्ट कॉमेडियन का। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट कॉमेडियन का उनको मिला था अवार्ड, बोले तो 2005, 15 साल पहले। तो अक्षय कुमार का उस वक्त भी बॉलीवुड पे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ही सही, लेकिन राज था दोस्तों। तो अक्षय कुमार की गरम मसाला कौन भूल सकता दोस्तों, क्या कॉमेडी मूवी थी। एक इंटरव्यू था उनका अवार्ड शो में, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को, कुछ किसी ने पूछा उनसे, आप अपने बच्चे को कौन सी मूवी नहीं दिखाना चाहोगे अपनी कैरियर का, तो उन्होंने गरम मसाला का ही मिसाल दिया था दोस्तों। और उसकी वजह क्या थी पता है? चार चार लड़कियों से वो फ्लर्ट करते हैं, कभी उसको कभी उसको, आप देखे होंगे मूवी। तो उनको बोला था कि मैं अपने बच्चे को गरम मसाला मूवी नहीं दिखाना चाहूँगा। बट गरम मसाला मूवी आज भी आप देखोगे दिल छू लेता। उसकी सॉन्ग अदा आए हाय, अदा मुसुड़ाए, अदा जान लेगी क्या, सुपर सारे सॉन्ग सुपर हिट थे दोस्तों। अजनबी क्या सॉलिड मूवी थी दोस्तों, उसका कौन भूल सकता सॉन्ग। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है, सुपर। तो दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।